अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड ना लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो, उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर, एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।